हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके बेटा, आज आपका जो विषय है हिंदी, उसमें से मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही प्यारी कविता लेकर आई हूँ। इसका नाम है पतंग। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि कितनी सारी पतंगे उड़ रही हैं, और कहाँ उड़ रही हैं? आसमान में। और इन पतंगों को जो उड़ा रहे हैं वो कौन है? बच्चे। तो आज इस कविता में मैं आपको पतंग के बारे में कुछ बताऊंगी कि जब पतंग आसमान में उड़ती है तो क्या क्या होता है। अब मैं इस कविता की जो पंक्तियां हैं उन्हें आपको पढ़कर बताऊंगी और उनका मतलब भी समझाऊंगी। तो आपकी जो कविता है पतंग, उसकी जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार है। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। उस पंक्ति का मतलब क्या है कि आसमान में सरसर फर फर करती पतंग उड़ रही है और सभी पतंगे एक दूसरे को काटती हुई आसमान में खूब सैर सपाटा करती हैं। अब बेटा, यहाँ पे जो ये सैर सपाटा आपका शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? खूब मज़े करना। जैसे कि आकाश में जब पतंगे उड़ती हैं तो पतंगे क्या करती हैं? खूब ऊंची ऊंची उड़ान भरती हैं। और जब पतंगे, खूब सारी पतंगे उड़ती हैं, तो वो एक दूसरे को काटने में लग जाती हैं, है ना? तो अब इसकी जो आगे की पंक्तियां हैं आप उसमें ध्यान दीजिएगा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। अब इन पंक्तियों का अर्थ क्या है कि आकाश में उड़ती पतंगे एक दूसरे से लड़ने में जुट गई हैं, और जैसे ही पतंग कटती है बच्चे उसे लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो कि हमेशा होता है। जैसे ही पतंग कटती है तो बच्चे उसे लूटने के लिए और उसे लेने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही बच्चे पतंग को लूट लेते हैं, फिर क्या होता है, दोबारा आसमान में जो पतंग है वो सरसर फरफर करती हुई उड़ती फिरती है। तो ये आपकी जो कविता थी बेटा पतंग, इसकी जो आपकी व्याख्या थी वो मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ कि इन पंक्तियों में पतंग के बारे में क्या क्या बताया गया है जब पतंग उड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे अच्छे से देखा और सुना होगा। ओके बेटा, तो आप इस कविता को याद भी करेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से समझेंगे ताकि आपको ये कविता के बारे में अच्छे से पता चल जाए कि इस कविता में पतंग के बारे में क्या बताया गया है। ओके, थैंक यू।